जय बालाजी हनुमान, जय भोलेनाथ शिव शंकर, जय सन्यासी वाले बाबा, जय गुरु धीरेन्द्र महाराज की, जय प्रभु श्री राम की और जय पप्पा की। मैं सभी भक्तजनों को ये बताना चाहता हूँ कि हम ये वीडियो बना रहे हैं कई भक्तजनों की जानकारी के लिए जो बागेश्वर धाम आना चाहते हैं। बागेश्वर धाम वो चमत्कारी धाम है, वो दिव्य धाम है जहाँ पे दैविक शक्तियों का वास है। कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, कई लोगों की समस्या का हल होता है। बिल्कुल निःशुल्क धाम, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। दो समय का निःशुल्क महाप्रसाद लंगर। और ये धाम आने के लिए आपको जाना पड़ेगा ग्राम गड़ा। जैसे कि ये बोर्ड देख सकते हैं, ये मेन हाईवे है सतना और झांसी हाईवे। यहाँ से आपको इस स्थान पे उतरना है जो यहाँ पे गड़ा टावर बोलते हैं। ये टावर बहुत बड़ी निशानी है, कोई भी अगर आता है तो उनको इस टावर पे उतरना। इस टावर से 5 किलोमीटर के लिए आपको अंदर साधन मिल जाएगा बागेश्वर धाम के लिए। ये रास्ता जा रहा है बागेश्वर धाम के लिए। और एक तरफ मेरी तरफ सतना है, इस तरफ सतना है। सतना से जो भी आते हैं 3 घंटे का बस का सफ़र है, चाहे अपनी गाड़ी से आए चाहे बस से आए, 3 घंटे का बस का सफ़र है। 3 घंटे बाद सतना से आपको ये स्थान आ जाएगा जिसे बोलते हैं गड़ा टावर। और पहले आता है गंज। ये गंज एक छोटा सा कस्बा है, वो मशहूर है। और गंज से 1 किलोमीटर आगे ये स्थान है जो कि टावर पे उतरना है। इस हाथ सतना है और उस हाथ झांसी है। उस हाथ पे झांसी है। झांसी से आते वक्त अगर आपको बस से आना है, तो झांसी से आते वक्त डायरेक्ट बस नहीं आती, बहुत कम आती है। आपको आना पड़ेगा झांसी से 3 घंटा बस का सफ़र छतरपुर। छतरपुर से भी ज़्यादातर आपको बस बदल के आना पड़ेगा गड़ा टावर तक। आप देख सकते हैं झांसी आने से भी आने वाले लोग ये बोर्ड देख सकते हैं। मैप के ऊपर पे भी अगर बागेश्वर धाम मंदिर या गंज या गड़ा आप डाल देंगे तो आपको लोकेशन बागेश्वर धाम मंदिर का आ जाएगा। आइए आपको यहाँ के बारे में बता दें। आइए जा रहा है बागेश्वर धाम के लिए। यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है बागेश्वर धाम। यहाँ पे गुरु की लगा हुआ है और यहाँ पे बोर्ड लगा है ट्रेडिंग कंपनी। और यहाँ पे अंदर एक पेट्रोल पंप भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 5 किलोमीटर आगे गड़ा टावर लिखा हुआ है। ये गड़ा टावर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अंदर बागेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ से आपको कई साधन मिल जाएंगे, टेम्पो वगैरह मिल जाएगा जो आपको प्रति सीट 10-15-20 रुपए में आपको छोड़ देंगे। भैया जा रहे हो कहाँ जाएंगे? बागेश्वर छोड़ेंगे? अच्छा, ये टेम्पो आपको कई बार मिलती है, कई बार इनका जो अधिकतर जो भीड़ होती है भक्तजनों की वो सोमवार शाम से लेकर मंगलवार रात तक रहती है, क्योंकि यहाँ पे पेशी होती है, काफी भीड़ होती है। कितना दे है एक सवारी का? 10 रुपए एक सवारी का। पूरा टेम्पो का? पूरा टेम्पो का जैसे पर्सनल कर रहा है तो 100 रुपए, वरना 15 सवारी के 10 रुपए सवारी। अच्छा, तो आइए हम देखते हैं, अगर कोई और सवारी मिलती तो सवारी के साथ बागेश्वर धाम चले जाते हैं, और अगर सवारी नहीं मिलती तो हम पर्सनल भी कर सकते हैं 100 रुपए में। तो ध्यान रखिए, अगर आप सतना से आते हैं तो 3 घंटा बस का सफर है, आपको गड़ा टावर उतरना है मोबाइल टावर। और झांसी से आते हैं तो आपको छतरपुर होके झांसी से दूसरा बस लेना है। आप अभी खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं। चलिए अब इस वक्त चलते हैं, छोड़ दोगे सीट पे? आइए इस वक्त हम चलते हैं सीट पे जरा अंदर बागेश्वर की तरफ। यही पेट्रोल पंप है और यही रास्ता जा रहा है बागेश्वर धाम के लिए आगे। इस वक्त हम टेम्पो में बैठे हुए हैं और जो हमारा टेम्पो ड्राइवर जो है वो हमको बागेश्वर धाम कुछ ही मिनटों में पहुंचा देगा। इस वक्त हम बैठे हैं टेम्पो में और हमारे साथ हमारे और भक्तजन हैं जो मुंबई से आए हैं, जिनका नाम है संतोष चौहान। अब हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए, हनुमान जी की सेवा करने के लिए और हमारे समस्याओं का हल जानने के लिए। ये पन्ना नेशनल फॉरेस्ट के बगल में ही है, तो आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। पहाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में ये धाम है। बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही पूज्य स्थान है ये।
अब ये गड़ा गांव शुरुआत, गड़ा गांव की सीमा की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ ये गांव और गड़ा गांव के क्षेत्र में ही बागेश्वर धाम का पूज्य स्थान है। आ चुके हैं दिव्य चमत्कारी इस धाम पे, बागेश्वर धाम। ये वही स्थान है जहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी होती है, सबके समस्या का हल होता है और जहाँ पे बजरंगबली बालाजी हनुमान की कृपा होती है। आइए चल के हम आपको अंदर धाम के बारे में बताते हैं। ये गुरुजी का दरबार है, बागेश्वर धाम गुरुजी का, जहाँ गुरुजी सभी भक्तों की समस्या सुनते हैं, उनकी अर्जी स्वीकारी जाती है और पेशी यहाँ पे साइन की जाती है। और हमारे पीछे जो है वो जो कैबिन दिख रहा है वो यहाँ का कार्यालय है, जिसका फ़ोन नंबर भी हम इसी के वीडियो में डिटेल में दे देंगे और आप कुछ भी आपको संपर्क करना हो तो कार्यालय में जानकारी दे सकते हैं। और मंदिर के साथ मंदिर की तरफ चलते हैं। ये कार्यालय है, ये गुरुजी का दरबार है। तो हम अपना चप्पल उतार देते हैं यहाँ पे, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। दे आइए आपको मंदिर के बारे में बता दें। ये मंदिर में यहाँ की विधि है कि 21 परिक्रमा करनी होती है मंदिर की, और परिक्रमा के लिए गिनती के लिए यहाँ कंकड़ उठाए जाते हैं। ये जो कंकड़ है इनका परिक्रमा से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ गिनती के लिए। तो एक अगर 21 परिक्रमा है तो 21 आपने कंकड़ उठा लिए, पत्थर उठा लिए, एक परिक्रमा के बाद में वापस गमले में डाल देना है। कंकड़ का, पत्थर का परिक्रमा से कुछ लेना देना नहीं। अगर आपके पास गिनती के लिए कुछ और साधन है तो आप गिनती के लिए वो साधन, चाहे आप मोबाइल फीड करो, चाहे कैलकुलेटर लिखो, चाहे पेन से आप अपने हाथ पे लिखो या कागज पे, लेकिन ध्यान रहे जब पत्थर आप डालते हैं गिनती के बाद तो गमले में ही डाले, समाधि में ना डाले। समाधि पूज्य है और समाधि के ऊपर कभी कोई कंकड़ नहीं फेंका जाता है। तो हम 21 पत्थर उठा लेते हैं। हमारी परिक्रमा सुबह ही हो चुकी है, ये आपको समझाने के लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं। अब एक परिक्रमा के बाद में एक कंकड़ इसमें डाल देंगे, उसी तरह 21 बार करना है। आइए सीताराम हनुमान का जाप करते हुए, ये जो समाधि है ये बब्बा की समाधि है, इसमें प्रवेश निषेध है। गुरुजी और सिर्फ धाम के जो गिने चुने सेवक है वही जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी जिनको प्रार्थना करना है बाहर से कर सकते हैं। बब्बा जी जो गुरुजी के दादाजी थे, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हनुमान जी की कृपा है। तो ये स्थान पे निषेध है सभी का जाना, सिर्फ गुरुजी और गिने चुने उनके जो समाज के जो धाम के सेवक है वही जा सकते हैं। तो यहाँ से प्रणाम कर सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और परिक्रमा चालू रखें। चलो सन्यासी बाबा की समाधि। समाधि पे मत फेंकिए, पाप लगेगा, गमले में डाल दे। कोई कंकड़ नहीं फेंकता है समाधि पे, कोई कंकड़ नहीं मारता है। आप गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग? कंकड़ जो पत्थर जो है गमले में डाल, दूर से मत फेंकिए। अभी एक परिक्रमा पूरी हो गई है, एक कंकड़ डाल दो, उसी तरह 21 परिक्रमा पूरी करना है। जो मंदिर है इनके भी दर्शन करें। आइए आपको मैं अभी अंदर से दर्शन करवा देता हूं। जय भोलेनाथ शिव शंकर जी।
ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है शिव जी का, और ये है बालाजी हनुमान का मंदिर, जो शक्ति का वास है, जो कृपा है, जो चमत्कार है, बालाजी हनुमान का ही है। पुजारी जी जो यहीं पे बैठे हैं उनसे भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जय श्री राम पंडित जी, कुछ जानकारी जो भक्तजन आना चाहते हैं तो इनके बारे, मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आप दे देंगे, बता देंगे, आप तो वो सेवा में है। मंदिर के बारे में यहाँ तो आप आइए दर्शन करिए, अर्जी बांधिए और बागेश्वर धाम के नाम से जी, तीन दीपक जलाइए जी, सन्यासी बाबा के नाम से जी, महाराज जी के नाम से जी, बागेश्वर धाम के नाम से तीन दीपक जलाने, घी के, घी के, ठीक है, ये ओम बागेश्वराय नमः का जाप भी कर सकते हैं आप जी, और अपने घर पर एक नारियल भी बांध के रख सकते हैं आप, निकल रहे थे हमारे मंदिर पर कहना है आपको आराम मिलेगा, कार्य बाधा हो या कोई काम हो कुछ भी हो प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। अच्छा दिए जो सूर्योदय के समय लगाने, सूर्यास्त के समय, सुबह प्रातः नहाने के बाद 7 बजे से पहले प्रातः सूर्योदय होना उपाय और शाम को सूर्यास्त के बाद। और पूजा में क्या क्या करना है? हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा 5 पाठ करने हैं आपको जी सुबह से, हाँ, और शाम को भी 5 पाठ करने हैं, 11 पाठ होते हैं, 11 पाठ कम से कम जी, ये कुछ नहीं है, पानी कुछ नहीं है, उन्हें बताया था आपको जाप करना है, जाप करना, हाँ, माला करनी है, हाँ, माला करनी है, ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी पंडित, बहुत कृपा रहेगा बालाजी हनुमान की आपके ऊपर, सभी यहाँ आइए, रुकिए, भंडारा पाइए, अन्नपूर्णा माई के यहाँ भोजन करिए, रुकने की व्यवस्था कहीं भी अपने गद्दे कम्बल आश्रम से आपको मिल जाएंगे जी, और जो सेवा हम लोगों से बनेगी वो करेंगे, बहुत बहुत कृपा आपकी, बालाजी की कृपा है हम पर बनी रहे, हमारे हमारे गुरु जी का आशीर्वाद, जय भजन बलि हनुमान बालाजी हनुमान, जय ये शक्ति है बालाजी हनुमान की और ये शक्ति है प्रेतराज सरकार की, इसमें दिव्य शक्ति है, जो भी नकारात्मक शक्ति होती है वो यहाँ बंद जाती है, दिव्य शक्ति है और इसका आप खुद आएंगे तो आप खुद अपने आंखों से इसकी शक्ति के सबूत आप देख सकते हैं, ये है प्रेतराज सरकार, ये अन्नपूर्णा माई की, ये निःशुल्क भंडारा है, निःशुल्क महाप्रसाद लंगर बागेश्वर धाम की तरफ से आप देख सकते हैं, सभी भक्तजन जो है अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, किसी तरह का यहाँ पे शुल्क नहीं है, बाकी भक्तों के ऊपर है अपने मन से जो दान देना चाहे, एक बार आप देख लीजिए कि सुबह से आज जो है हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया हुआ, ये अन्नपूर्णा है, यहाँ का देखिए बांध काम चालू है, ये बन रहा है, भक्त यहीं भी प्रसाद लेते हैं, जब भक्त ज़्यादा होते हैं तो सामने जो ग्राउंड में प्रसाद ले लेते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी बालाजी की कृपा से निःशुल्क सेवा चालू है, भक्त जो आते हैं वो चाहे तो सेवा कर सकते हैं। गुरु जी जब आपकी अर्जी सुनते हैं तो गुरु जी ने कहा है, कई बार ऐसा होता है कि गुरु जी क्या कहे गए, आपके आईडी का ऊपर का वाईफाई कनेक्शन चालू हो गया, वो आपको बोलने के बाद भी बाद में उनको याद नहीं रहता है, जब दूसरे भक्त की आईडी चढ़ जाती है उनके कनेक्शन हो जाता है, तो आप खुद की समस्या जब बात कर रहे हैं तो किसी को बोल के अपना कैमरा चालू कर दीजिए फ़ोन में और वो वीडियो रिकॉर्डिंग खुद का ही निकाल सकते हैं, दूसरों का नहीं। तो गुरु जी ने जो रीति विधान बताया है, क्या करना है, पूजा करना है, दिया जलाना है, क्या करना है, वो आप बराबर सुन सकते हैं, एक ही साथ हर चीज़ आपके ध्यान में नहीं रहती है, और गुरु जी ने जो
आपको मंत्र अगर दिया होगा तो उसका रोज जितनी बार गुरुजी ने कहा माला जपना उतना करना है। बाकी आप चाहे तो चालीसा रोज पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए, ओम नमः शिवाय की माला जपिए। जितना पूजा पाठ करेंगे सच्चे दिल से और कर्म अच्छे रखेंगे उतना बालाजी हनुमान की कृपा आपके ऊपर होगी। ये जो वीडियो बनाया मैंने एक भक्त होकर सभी लोग की जानकारी के लिए बनाया, ये ऑफिशियल वीडियो नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूँ, जिनको भी ऑफिशियल जानकारी चाहिए वो कृपया करके इस नंबर पर संपर्क कर लेना बागेश्वर धाम के, जो मैं बाद में बता दूंगा। और ये सभी भक्तजनों के लिए, ये जो नए आते हैं उनके लिए बनाया गया वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नियम बदले हैं धाम के, बने हैं धाम की तरफ से, उसे उन्हें कभी भी बदला भी जा सकता है, नए नियम लागू भी हो सकते हैं और नियम में बदलाव भी किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको कार्यालय से पूरा अपडेटेड नियम लेना होगा फ़ोन करने के पहले। कभी भी आए तो कार्यालय में फ़ोन करके पूरी जानकारी लेके आए। दूसरी चीज, अर्जी के लिए जो टोकन जो बटता है अर्जी के लिए, वो कितना तारीख को बटता है ये कार्यालय में बता दिया जाएगा। आपको आना है और लाइन में खड़ा होना। कई लोग होते हैं जो एक दिन पहले ही आ जाते हैं, एक दिन पहले ही लाइन लग जाती है, तो आप आके उस वक्त अर्जी के लिए कब टोकन बटेगा धाम के फोन में, कार्यालय में फ़ोन करके इंक्वायरी कीजिए और आके आप टोकन ले सकते हैं। और जिस दिन आपका नंबर आएगा, अर्जी का मतलब है जिस दिन आपको गुरुजी बैठ के आपके समस्या का जो समस्या है वो, और समस्या का हल पहले से ही आपके बोलने के पहले कागज पे लिख दिया जाता है, ये गुरुजी का वाईफाई कनेक्शन है। तो ये होती है अर्जी, ये आपके प्रॉब्लम का डायग्नोसिस। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि अर्जी के पीछे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और आप कहाँ से जरूर लिख लें। कभी अर्जी अदली बदली हो गई तो ये किसकी अर्जी है तो उनको मालूम पड़ जाएगा, तो आपको जो है लौटाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि कुछ केसेस होते हैं जिनमें अर्जेंट, जिनमें जैसे कि मरीज हो, कोई एम्बुलेंस में आते हैं, सीरियस आते हैं, तो ये गुरुजी के ऊपर है कि उनको भी फौरन ले सकते हैं बिना टोकन के लिए। गुरुजी रोज धाम आते हैं मंदिर पे, मंदिर में पूजा करने के बाद जब नीचे जाते तो सभी भक्तों से मिलते हैं, सभी को भभूति देते हैं। तो जो अर्जेंट केसेस होती है तो गुरुजी के ऊपर है, वो जब चाहे ले सकते हैं। बाकी कर्ता धर्ता तो बालाजी हनुमान है, सन्यासी बाबा है, भोलेनाथ शिव मंदिर है, महिमा तो उनकी है, हम तो भक्त हैं, गुरुजी भी एक भक्ति है। कुछ लोगों को अगर फौरन राहत चाहिए तो गुरुजी ने बताया है कि वो घर में बैठे अर्जी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में धाम में आना उनके लिए अनिवार्य है। एक लाल कपड़े में एक नारियल बांध दीजिए, पूजा स्थान पर रख लीजिए, हनुमान जी को ध्यान कीजिए, सन्यासी बाबा को ध्यान कीजिए, धीरे से जो है अपने मन में से जो आपकी समस्या है वो नारियल को बोल दीजिए, आपकी अर्जी यहीं पे लग जाएगी। लेकिन जब आप आते हैं तो आपको अर्जी लाके यहीं पे बांधना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी भक्तों ने नारियल बांधा हुआ है। और अगर आपको राहत भी चाहिए तो साथ में 3 दिए जलाएं, देसी घी के, एक बालाजी हनुमान के नाम से, एक सन्यासी बाबा के नाम से और एक बागेश्वर धाम। और जब आपको आना हो तब आपकी अर्जी का टोकन लीजिए और आपके धाम पे यहाँ पे वो नारियल बांध दीजिए। लेकिन आपके ऊपर वही नियम लागू होगा जो सभी भक्तों के, जो भगवान ने नियम भी बनाए, आपको मांस मच्छी मदिरा तंबाकू बीड़ी सिगरेट सबसे वंचित रहना है, चमड़े की चीज़ों से दूर रहना है और लहसुन प्याज बंद करना है। ये नियम है, अगर ये नियम का पालन नहीं करेगा तो आपकी अर्जी लगना बहुत मुश्किल है, आपका इलाज जो है वो हनुमान जी की तरफ से होना मुश्किल है। कर्ता धर्ता ये आप सभी जानते हैं, हनुमान जी तो उन्होंने कुछ नियम बनाए हुए, नियम का पालन, जैसे डॉक्टर बोलता है क्या चीज़ खानी है नहीं खानी, वैसे हनुमान जी भगवान देवताओं ने भी नियम बनाए हुए। आप जितने दिन धाम पे हैं उतने दिन 21 बार परिक्रमा कीजिए, गुरु जी ने जो मंत्र बताया है। अगर गुरु से मुलाकात नहीं हुई है तो हनुमान चालीसा 5 बार पढ़िए, ओम नमः शिवाय की माला जाप कीजिए, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। कितनी बार करना है वो गुरु जी खुद बता देंगे आपको। एक चीज देखा गया है कई भक्तों से, कुछ जाने अनजाने में कुछ गलत करते हैं जो ये पूजा की विधि में नहीं है। प्लास्टिक की जो पन्नी होती है अगरबत्ती की, उसको खोल के कहीं भी बांध देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये। अब ये कौन सी पूजा विधि में ही हमको नहीं पता, ये पूजा विधि में है ही नहीं। तो उनसे विनती है कि जो विधि में नहीं है तो बाकी सेवक को खोलना पड़ता है, इसका वो कृपया ना करें। दूसरी चीज है, कहीं भी जल चढ़ाते मुझे किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं करना है। सभी माताओं बहनों और भाइयों से विनती है कि जल चढ़ाते, जल जाता कहाँ है। अब शिव जी पर चढ़ाइए, भोलेनाथ है, शिव जी तो भोले भंडारी हैं, लेकिन आप जल चढ़ाते हैं
जो चढ़ाते हैं वो भय के सब भक्तों के पैर के नीचे आता पाप लगता है। चढ़ाया हुआ जल कभी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। मैं उन्हें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुद सोचिए आप, अगर मैं उनकी जगह होता मैं कुछ बूंद ही चढ़ाता, और शिवलिंग पे ही, दीवार के बगल में, मंदिर के पीछे, समाधि पे, ये क्या, ये तो गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो खुद फैसला कीजिए कि आपका चढ़ाया हुआ जल कहाँ जा रहा है, भगवान को अर्पित हो रहा है, समाधि पे अर्पित हो रहा है, या बाकी के पैर के नीचे आ रहा है। फिर टाइल फिसलती भी है, कई भक्त गिर भी चुके हैं, चोट भी लगी है, तो उन्हीं सभी माताओं बहनों भाई भाइयों से विनती है कि कृपया करके कुछ बूंद ही चढ़ाए, ताकि जल है किसी के पैर के नीचे नहीं आए। आपके करना है, अगर आप देखेंगे कि जो चढ़ाया हुआ जल पैरों पे आ रहा है, तो कई भक्त सफाई में लगते हैं, कई भक्त पेड़ों में पानी डालते हैं, अन्नपूर्णा में मेहनत करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, आप भी इसमें लग जाइए। पूजा भी, ये भी एक पूजा है, आप 10 लोग कर रहे हैं पूजा पाठ करें, तो कुछ ही भक्त जो है सेवा में लगते हैं। गुरु जी ने कहा है कि सेवा ही परम पूजा है, तो आप भी आपके इच्छा अनुसार, इसमें कोई बाध्य नहीं है, कोई बंधन नहीं है, इच्छा अनुसार अगर चाहें तो आप जो है सेवा में लग सकते हैं। और गुरु जी ने एक बहुत ही अच्छा संकल्प लिया हुआ है, दान दक्षिणा अनिवार्य नहीं, कोई जबरदस्ती आपके मन के ऊपर है, आप अगर जो भी दान देते हैं तो कृपया कार्यालय में ही दीजिए, रसीद प्राप्त कीजिए, और आपके दान से जो है अन्नपूर्णा चलता है, महाप्रसाद चलता है, निशुल्क चलता है। गुरु जी ने यह भी संकल्प लिया हुआ है कि कोई भी अगर गरीब घर की लड़की है जिनको विवाह करना है, घर में पैसा नहीं है, तो धाम की तरफ से कई लड़कियों की, ऐसे लड़कियों की पूरे रीति रिवाज के साथ में शादी की गई है और करते रहेंगे। और ये भी संकल्प है कि कोई वृद्ध है, माता जी पिताजी हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, बेसहारा है, तो गुरु जी ने कहा लाके मेरे धाम पर छोड़ दो, मैं आखिर तक उनके आखिरी सांस तक में उनकी सेवा करूँगा। और जो भी किराया भाड़ा लगता है अपनी जेब से डाली गुरुजी, वो भी आपको लौटा देंगे। अब ऐसा धाम, ऐसे संकल्प, ऐसी शक्ति और कहाँ मिलेगी, होगी भी तो मैं सभी उन धाम को भी मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपसे जो मैंने जो आप ही लोगों के लिए जो विनती की है, आप ही के, ताकि आपकी अर्जी सफल हो जाए, आपकी पूजा सफल हो जाए, तो इस चीज का आप ध्यान में रखें। जो भी आप लंगर भी करवाना चाहते हैं तो आप लंगर आप करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आप खुद का लंगर अलग से करें तो उसका भोग बालाजी को नहीं चढ़ेगा। भोग चढ़ता है अन्नपूर्णा के महाप्रसाद लंगर से ही चढ़ता है, ये आपके ऊपर बाध्य नहीं, आप चाहे अपना अलग से करें। और मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं जो भी लंगर करवाना है धाम के कार्यालय के थ्रू ही करवाता, उनके जरिए ही कराता, कि उनका भोग बालाजी हनुमान को चढ़ जाए और उनका उस भोग का आपको कृपा हो। तो आखिर में मैं सभी माताओं बहनों और भाइयों से विनती करता हूँ, ये धाम सभी के लिए खुला हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक भक्त के नाते मैंने जो देखा है, ये वो जानकारी, ये ऑफिशियल नहीं है, यहाँ एक भी कर्मचारी वेतन पे नहीं है, चाहे पंडित हो, चाहे लंगर में काम करें, चाहे साफ सफाई, कोई कर्मचारी, हम और आप जैसे भक्त ही काम कर रहे हैं। ऐसे भक्त और ऐसी भक्ति और ऐसी शक्ति तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। लेकिन आप आने के पहले पूरी जानकारी, सटीक जानकारी इस नंबर पे, धाम के कार्यालय के नंबर पे फोन करके ले लीजिएगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, कार्यालय का नंबर 812-059-2371 812-059-2371 आपको अगर कुछ सुझाव है तो आप बोल सकते हैं, अगर इसमें कुछ गलती है, आपको हानि पहुंची है, तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। भगवान की कृपा, बालाजी हनुमान की, भोलेनाथ शिव शंभु की, सन्यासी वाले बाबा की और बाबा की सभी पे हो, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और आप भी आइए धाम पे, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, सभी के ऊपर कृपा हो। जय बागेश्वर धाम की।